हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिगर ऑफ स्पीच के अंदर एक टाइप सीखेंगे। उसका नाम है यूफेमिज्म। आप PHE का फ साउंड कर सकते हो, यूफेमिज्म। तो ये फिगर ऑफ स्पीच हमारे जो रूटीन के अंदर बहुत काम की है, जिसको हम कभी कभी यूज़ भी करते हैं लेकिन हम नोटिस नहीं करते। लेकिन अब हम नोटिस भी करेंगे कि वी आर यूजिंग विथ फिगर ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं, यूफेमिज्म का मतलब क्या है। माइल्ड एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूटेड फॉर ब्लंट, ऑफेंसिव, हार्श, वल्गर वन। मतलब एक ऐसा सॉफ्ट एक्सप्रेशन है जो ये सब जो वर्ड है ब्लंट, ऑफेंसिव, हार्श, वल्गर, उसके बदले हम यूज़ कर सकते हैं, तो उनको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये फिगर ऑफ स्पीच क्यों बनाई गई है ये वाली, तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसे हम सामने वाले पर्सन को डायरेक्ट बोले तो उसको बुरा लग सकता है, या तो हमारी इम्प्रेशन डाउन हो सकती है, या तो कोई ऑफेंस हो सकता है, या तो झगड़ा हो सकता है। तो उसको हम थोड़ा अच्छे से शांत तरीके से माइल्ड एक्सप्रेशन के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये देखो, अनप्लीजेंट फैक्ट्स आर प्रेजेंटेड इन अ प्लीजेंट फॉर्म। तो जो फैक्ट सत्य है, जो वर्ड्स हम बोलने जा रहे हैं वो थोड़े धारदार है, सामने वाले को हर्ट हो सकते हैं, लेकिन हम उसको प्लीजेंट वे से बोलेंगे, प्लीजेंट फॉर्म से। तो ऐसा नहीं है कि इसको सुन के सामने वाला खुश हो जाएगा, प्लीज हो जाएगा, लेकिन हम हमारी ड्यूटी कर देंगे, हम उसको प्लीजेंट फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे ताकि सामने वाले हम पे ऐसा ना बोले कि ये भाई बोलने में कैसा है, उसके वर्ड्स बहुत धारदार है। तो क्या वर्ड्स में बहुत पावर है, वो तलवार से भी धारदार है, तो सोच समझ के उसका यूज़ करना पड़ेगा। तो देखो, अभी अगर हम किसी को डायरेक्ट ऐसा बोल देंगे कि तुम्हारा घर वाला मर गया है, तो उसको अटैक आ जाएगा, हार्ट अटैक। तो ऐसे नहीं बोल सकते, उसको शांति से उसको अच्छे फॉर्म में बताना पड़ेगा। तो इसीलिए फिगर ऑफ स्पीच है। किसी को जॉब से निकालना है तो ऐसा नहीं बोलेंगे कल से मत आना भाई, तो उसको शांति से इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो उसके लिए ये फिगर ऑफ स्पीच है। अब देखो एग्जांपल्स, तो एकदम क्लियर हो जाएगा। आज ये फिगर ऑफ स्पीच पक्की हो जानी है, ये मेरी गारंटी है। डॉक्टर सेड मिस्टर पटेल इज नो मोर। देखो डॉक्टर ने कैसे शांति से कहा, मिस्टर पटेल इज नो मोर। नो मोर का मतलब है अब वो रहे नहीं, मर गए हैं। फाट, तो देखो ऐसा हम क्लास में या तो किधर बोलेंगे तो हंसी के पात्र हो जाएंगे, तो उसके भी बेटर है कि ये वाला बोलो, वो पास्ड द गैस। तो इसमें क्या है, जो मैच्योर ऑडियंस है, एल्डर पीपल, जो एक्सपीरियंस वाले, वो लोग यूफेमिज्म को जल्दी से समझ सकते हैं, और जो छोटे लोग हैं उसको इस फिगर ऑफ स्पीच को जल्दी से समझते नहीं है, इसका यूज़ वो लोग जल्दी से नहीं समझते। लेकिन अब आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको आप सीख जाओगे। माय अंकल पास्ड अवे लास्ट वीक। देखो डाइड के बदले मैंने यूज़ किया है पास्ड अवे। यू आर फायर्ड, आपको जॉब से निकाला जाता है। राहुल इज अ स्पेशल चाइल्ड, देखो अगर किसी का लड़का डिसेबल है, सीखने के काबिल नहीं है, मतलब ऐसा पढ़ाई के बारे में नहीं है, फिजिकली चैलेंज बच्चा है, तो हम उसको डायरेक्ट ऐसा नहीं बोल सकते। तो देखो स्पेशल चाइल्ड, उनको थोड़ा रिस्पेक्ट वाला वर्ड दिया है, तो स्पेशल चाइल्ड बोलते हैं उनको। दिस सिटी इज़ फॉर सीनियर सिटीजन, तो देखो ओल्ड पीपल के लिए सीनियर सिटीजन, ऐसा माइल्ड फ्रेज यूज़ किया है, हम ऐसे नहीं बोल सकते ये सीट बुढ़ाओ लोगों के लिए है, तो ये ऐसा अच्छा लगता नहीं है। नेहा इज इन द फैमिली वे, तो देखो फैमिली वे, इन द फैमिली वे का मतलब है प्रेग्नेंट, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते डायरेक्ट नेहा प्रेग्नेंट है, तो ये थोड़ा बेटर लगेगा। तो इसमें क्या है, जो स्पीकर है, जो बोलने वाला, वो अपनी सेफ्टी साइड ढूंढ लेता है, स्पीकर को कोई टेंशन रहता नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड है हम जिसको डायरेक्ट बोल सकते नहीं है, फॉर एग्जाम्पल प्रोस्टिट्यूट, किसी को ऐसा नहीं बोल सकते यू आर प्रोस्टिट्यूट, फिर हैविंग सेक्स, तो ऐसा भी नहीं बोल सकते। तो इसके लिए यूफेमिज्म आप यूज़ कर सकते हो। तो अब आप इसके एग्जाम्पल को
रिवाइज करना और जितने नए एग्जांपल्स मिलते हैं उसको भी नोट डाउन करते जाना। आपका बेसिक कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अब आप किसी टकले पर्सन को सीधा टकला मत बोलना, उसके लिए इंग्लिश में यूफेमिज्म यूज़ करना। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।